हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू कॉन्ट स्टडी मैं मुजस्म अख्तर आपके लिए कंप्लीट बायोलॉजी के जे के एस एस बी क्लास फोर के लिए एम सी क्यूज़ लेके आया हूँ जिसमें हम वन हंड्रेड टेन एम सी क्यूज़ पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे हो सकता है ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है इसलिए मैं आपको पूरा एंड तक जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा और आपने भी जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा एंड लेक्चर को एंड तक देखना होगा तभी आपको जो है अगर आप यू नो स्ट्रॉग इनफ इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन बायोलॉजी सो यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ना सिर्फ जे के एस एस बी क्लास फोर के लिए दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर अदर एग्ज़ाम्स लाइक पी एस सी एग्ज़ाम्स यू नो ऑल दिस एग्ज़ाम्स जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये एम प्लस इसमें मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूँगा uh, मतलब जहाँ पर मुझे लगे कि आई हैव टू से दिस थिंग मतलब जहाँ लगे मुझे कि कुछ important बोलना है मुझे तो मैं वो भी बता दूँगा ठीक है तो मतलब पूरे इंटरेस्ट के साथ आपने पढ़ना है uh, अभी जो है आपको सारे सब्जेक्ट्स भूल जाने हैं मतलब जैसे कि आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है जितना टाइम ये वीडियो को है ठीक है आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है और इस टाइम में आपने क्या पढ़ना है बायोलॉजी ठीक है बायोलॉजी पढ़ना है तो थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है तो बीच में आप ब्रेक्स ले सकते हैं पॉज करके वीडियो थोड़ा एक्सरसाइज वग़ैरह पानी वगैरह पी सकते हैं सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो ओके okay. सो so, हम शुरू से शुरू कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर वन इज़ हु इज़ द सॉरी हु इज़ कॉल्ड एज द फ़ादर ऑफ़ बायोलॉजी हु इज़ कॉल्ड एज द फ़ादर ऑफ़ बायोलॉजी सो हु इज़ दैट एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ़ बायोलॉजी कहते हैं तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं तो क्यों कहते होंगे मैंने आपको बताया हम शुरू से शुरू कर रहे हैं मतलब जहाँ से बायोलॉजी का स्टार्टिंग हो रही है बायोलॉजी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से हम शुरू करेंगे ठीक है तो कुछ रीजनस होंगे बहुत कुछ किया होगा इन्होंने तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें से यह है कि उन्होंने क्लासीफाई किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किनको क्लासीफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेस ऑफ नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज क्या फिर से आई विल रिपीट एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम को क्लासीफाई किया है ऑन द बेस ऑफ नेचुरल सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है अब क्वेश्चन नंबर टू है हु डिस्कवर्ड सेल सबसे पहले सेल होता क्या है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल तो ये तो चीज़ आपको पता होगी अब रोबर्ट हुक जो हैं इन्होंने सेल को डिस्कवर किया है कौन सा वाला सेल केमिस्ट्री वाला सेल नहीं ये बायोलॉजी वाला सेल ठीक है उसके बाद व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले ये है क्या चीज़ ये एक सेल ऑर्गेनल है क्या है माइटोकड्रिया क्या है ये एक सेल ऑर्गेनल है क्या है सेल ऑर्गेनल ओके okay, तो इसको हम और किस नाम से मतलब बुलाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल एक और चीज़ आपको याद रखनी होगी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये किसने डिस्कवर किया था ये किया था डिस्कवर रिचर्ड रिचर्ड आल्टमन ने रिचर्ड आल्टमन ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास वो क्वेश्चन है विच ऑर्गनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्यूसाइडल बैग विच ऑर्गेनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्यूसाइडल बैग कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसको हम स्यूसाइडल बैग भी कहते हैं ओके तो वो कौन सा है दैट इज लाइसोसोम ओके लाइसोसोम क्या होता है ये क्या करता है ये जो है सेल्यूलर ये भी याद रखना इतना याद रखना आप सेल्यूलर डेब्रिस में ये डाइजेशन में हेल्प करता है किसमें डाइजेशन में तो विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्युलर डेबरिस तो दैट इज़ लाइसोसोम तो विच ऑर्गेनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग दैट इज ऑल्सो लाइसोसोम आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला स्लाइड अब नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है आपको पता है न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ यू नो सेल सो हु डिस्कवर्ड इट रोबर्ट ब्राउन रोबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड इन 1831। थर्टी वन यहाँ से ये भी पता चल गया कि कब डिस्कवर किया था एटीन थर्टी वन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज डी एन ए स्टैंड फॉर वट डी एन ए स्टैंड फॉर मतलब आपको डी एन ए की फुल फॉर्म बतानी है डी न्यूक्लिक एसिड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस हैज बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन ओके हु डी एन ए को किसने डिस्कवर किया है किया था ठीक है तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए को डिस्कवर किया था ठीक है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए को डिस्कवर किया था किसने किया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार मैं चाहता हूँ कि आपको इसी वीडियो में जो है सब कुछ याद हो जाए बट आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा कि मेक योर नोट्स राइट उसके अलावा मैं आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दूँगा टेलीग्राम पे मे बी वन डे आफ्टर द अपलोड ऑफ दिस वीडियो ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट क्या है आरएनए स्टैंड्स फॉर मतलब आर की फुल फॉर्म बतानी है जैसे यहाँ पर डी की फुल फॉर्म बताई थी यहाँ पर आर की फुल फॉर्म बतानी है तो आर की फुल फॉर्म क्या है आर की फुल फॉर्म क्या है तो आर की फुल फॉर्म जो है वो है राइबो सॉरी आर की फुल फॉर्म जो है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है राइबो न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन्थ द टर्म टिश्यू वॉज कॉइंड बाई सिंपल से सिंपल सी बात कहें तो टिश्यू जो है वो किसने डिस्कवर किया था द टर्म टिश्यू वॉज कॉइंड बाई ये टर्म जो है वो किसने यूज़ की थी एन ग्रीव ने तो अगर टिश्यू का पूछा कि हु डिस्कवर्ड टिश्यू तो एन ग्रीव ही आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन इज द वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू दैट कंडक्ट्स वाटर इज़ कॉल्ड एक वैस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू रहता है जो कि क्या करता है वाटर कंडक्ट करता है क्या कंडक्ट करता है वाटर याद रखना क्या कंडक्ट करता है वाटर तो उसको क्या कहते हैं हम आंसर इज़ ज़ाइलम क्या कहते हैं ज़ाइलम ओके तो क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि ज़ाइलम का और क्या नाम है जाइलम को और किस नाम से कहा जाता है तो वुड के नाम से जाइलम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वुड ओके क्वेश्चन नंबर अलेवन द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज जो टिश्यू ऑर्गेनिक फूड जो है प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोएम तो यहाँ पर भी दूसरा क्वेश्चन बन गया आपके पास फ्लोएम को और हम क्या कहते हैं फ्लोएम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बास्ट वट डू वी कॉल वट इज़ फ्लोएम ऑल्सो कॉल्ड बास्ट ओके बी ए एस टी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज एन एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कैन बी असाइंड टू अ पार्टिकुलर ट्रेट किसी भी पार्टिकुलर ट्रेट को जो असाइन किया जाता है एक छोटा सा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं जीन जीन अपने पढ़ा होगा पहले भी टेंथ में पढ़ा होगा नाइन्थ में पढ़ा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं जीन द एली एन एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कैन बी असाइन टू ए पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज जीन ओके okay. अच्छा हाउ मेनी क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन सेल ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं तो ह्यूमन सेल में फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं आप ट्वेंटी थ्री पेयर्स भी कह सकते हैं ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं फोर्टी सिक्स आप ट्वेंटी थ्री पेयर्स में भी इनको कह सकते हैं अगर ऑप्शन में आपके पास फोर्टी सिक्स आता है तो आपने फोर्टी सिक्स डाल देना है इफ़ द ऑप्शन इज लाइक इफ इन द ऑप्शन देर इज ट्वेंटी थ्री तो पेयर्स ठीक है तो ट्वेंटी थ्री पेयर्स विल बी द करेक्ट आंसर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड आपको पता भी होगा तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इससे पहले हमने फोर्टीन पढ़ा था क्या हाँ इससे पहले हमने फोर्टीन पढ़ा था अभी हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पढ़ रहे हैं ठीक है बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाई मतलब बाइल जूस किससे स्क्रीट होता है तो ये भी क्या है लिवर से पहले क्या हमने पढ़ा पहले हमने पढ़ा लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी तो वो क्या है लिवर अभी हम पढ़ रहे हैं बाइल जूस किससे स्क्रीट होता है तो लिवर से ही वो भी स्क्रीट होता है हम एक एक चीज जो है मतलब जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं मैंने आपके लिए लाई हैं ठीक है थीके? बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है गाल ब्लेडर में कहाँ पे स्टोर होता है बाइल जूस बाइल जूस स्टोर होता है गाल ब्लैडर में फिर से कहाँ जो ये बाइल जूस है वो स्टोर होता है गाल ब्लेडर में वट काइंड ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन स्नैक स्नैक्स में कौन से टाइप का स्नैक फ्रॉग एंड लिजर्ड सॉरी स्नैक और फ्रॉग और लिजर्ड में कौन सा जो है कौन से टाइप का ब्लड जो है वो पाया जाता है तो उनमें पाया जाता है कोल्ड ब्लड इसलिए उनको कोल्ड ब्लडेड जो हैं उनको कहते हैं हम किन को स्नैक फ्रॉग अब यहाँ पर दो तीन एम सी क्यूज़ यहाँ से भी बन सकते हैं क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है खाली लिजर्ड को ये कौन से ब्लड की मतलब टाइप की आ, होती है ठीक है तो आप कोल्ड ब्लडेड बोल सकते हैं कौन सा ब्लड होता है तो कोल्ड ब्लड फ्रॉग में स्नैक में तीनों में कोल्ड ब्लड होता है अब हम इनको एक सेकेंड एक्चुअली मेज एक्चुअली में ये कहने को क्या है कहने को ये 110 हंड्रेड टेन एम सी क्यूज़ हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा एम सी क्यूज बनते हैं अगर आप ध्यान से चीज़ों को देख सकते हैं तो द बन इन बर्ड्स इज़ बर्ड्स में जो बून होती है ये इट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन वो हॉलो शेप्ड होती है कैसी होती है? हॉलो शेप्ड बूंस जो होती हैं बर्ड्स में वो कैसी होती हैं हॉलो कैसी होलो अब इंसुलिन डैश ब्लड प्रेशर इंसुलिन जो है वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है इंसुलिन डैश ब्लड प्रेशर मतलब क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन जो है वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है तो क्या करता है डिक्रीज़ करता है क्या करता है डिक्रीज़ मतलब कम करता है इंसुलिन क्या, क्या करता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है इंसुलिन क्या करता है डिक्रीज़ करता है ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ओके okay, तो बात आ गई यहाँ पे विटामिन सी की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज़ विटामिन सी इज़ आल्सो नॉन एज़ विटामिन सी का जो है दूसरा नाम क्या है वो है एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है रेटिनोल रेटिनोल याद रखना रेटिनोल ए का नाम है और विटामिन बी का नाम क्या है विटामिन बी का नाम क्या है था क्या है टी एच वाई एम आई एन ई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज लार्जेस्ट ऑर्ग ऑर्गेनल सॉरी लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ एन यूक्टिक सेल आपको पता होगा कि यूकोरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर ही वो प्रेजेंट होता है क्या न्यूक्लियस तो लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है यूकॉरियोटिक सेल का दैट इज क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनल है किसका ईकोरियोटिक सेल ईकॉरटिक सेल ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज द हार्मोन इंसुलिन इज अ हार्मोन जो इंसुलिन है वो क्या है दैट इज अ पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन इज अ पैप्टाइड क्या है पैप्टाइड ओके okay, उसके बाद द स्वीट शुगर इज़ सॉरी द द स्वीटेस्ट सॉरी द स्वीटेस्ट जो शुगर uh, है उसको हम क्या कहते हैं स्वीटेस्ट शुगर उसको हम फ्रक्टोस कहते हैं क्या कहते हैं स्वीटेस्ट शुगर को हम फ्रकटोस्ट फ्रकटोस कहते हैं हम स्वीटेस्ट शुगर को फ्रक्टोस कहते हैं ये याद रखना हम स्वीटेस्ट शुगर को क्या कहते हैं फ्रकटोस कहते हैं अब मैं एक्चुअली ये बार बार चीज़ें क्यों रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज़ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर एवरी ईच एंड एवरी थिंग इन दिस वीडियो ओनली मैं चाहता हूँ कि आपको इसी वीडियो में जो है सारा का सारा याद हो जाए तो अभी मैंने आपको बताया स्वीटेस्ट शुगर शुगर कौन सा है फ्रक्टोस है चलो ज़्यादा बोर भी नहीं होने दूंगा क्योंकि हो सकता है आप बार बार बोलने से मेरे बोलने से आप बोर भी हो रहे होंगे तो आई विल ट्राई कि ज़्यादा ना हो अब हेमोग्लोबिन में आ, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में मेटल प्रेजेंट होता है अच्छा हेमोग्लोबिन आपको पता होगा हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है उसका कलर क्या है रेड है क्यों है हमारे ब्लड का कलर रेड बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन इट अब मेटल कौन सा होता है हेमोग्लोबिन में क्वेश्चन ये है तो हेमोग्लोबिन में जो मेटल होता है दैट इज आयरन अच्छा अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे बढ़ने से पहले एक जोक सुनाऊंगा मुझे पता है आपको हंसी तो नहीं आएगी बट फिर भी सुनाने जा रहा हूँ ठीक है तो जोक इस तरह से है गर्ल कहती है क्या कहती है गर्ल कहती है डोंट डिस्टर्ब मी आई एम वर्किंग हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स तो बॉय क्या कहता है बॉय कहता है डोंट डिस्टर्ब मी बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द एग्ज़ाम्स आप समझ गए तो गर्ल क्या कहती है गर्ल कहती है ओ भाई मुझे मारो आई नो बहुत ही खराब जोक था बट आप आई नो कि आप लोग हंसी नहीं आई होगी आप लोगों को बट चलो कोई बात नहीं मैं ही हंस लेता हूँ अकेले अकेले तब तक मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा जब तक मैं हंसूंगा और आप भी कुछ करो तब तक ओके okay, तो वापस से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरोना uh, वायरस के सिम्टम्स क्या है फीवर कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये आपको तीनों याद रखने हैं कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या है फीवर कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ओके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कफ़ फीवर जो हैं ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं और ये जो है आपको पता ही है ट्रेंडिंग टॉपिक भी है और ये आजकल बहुत ही आपको पता है इसी की वजह से सारा है लॉकडाउन एंड एवरीथिंग इज़ ऑल बिकॉज ऑफ़ कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन अब यहाँ पर कोविड नाइन्टीन ठीक है कोविड नाइन्टीन क्यों कहते हैं नाइनटीन क्यों क्योंकि टू थाउजेंड नाइनटीन का है सॉरी सी ओ कोरोनो वायरस ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्या है लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है दैट इज फेमर लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फेमर कौन सी बोन होती है फेमर बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सी बोन है फीमर uh, ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट मसल कहाँ पे कौन सी होती है वो होती है स्टेपिडियस क्या होती है स्टेपिडियस उसके बाद लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज थारयड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज थायरॉयड ग्लैंड ठीक है लार्जेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है थायराइड ग्लैंड अच्छा लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है मतलब सबसे लंबी जो बड़ी रग होती है, है वीन होती है वो कौन सी होती है इंटीरियर वेना कैवा उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इंटीरियर वेना कैवा उसका नाम है ठीक है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी है हमारे पास स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ सबसे जो छोटी बोन है ह्यूमन बॉडी में तो वो कौन सी है स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ वट स्टेप्स स्टेप्स बोलते हैं क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट बोन को ह्यूमन बॉडी की स्टेप्स कहते हैं अब उसी तरह से नेम द स्मॉलेस्ट पीछे हमने पढ़ा था लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन uh, ग्लैंड कौन सा था यहाँ पर थायराइड ग्लैंड था अभी हम पढ़ रहे हैं स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो कौन सा है पिचुएटरी ग्लैंड ठीक है एक बात याद रखना पिच्युटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं पिचुएटरी ग्लैंड को ठीक है अब क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्या है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी अब आप कहेंगे कि मेरे को सात सौ बोन्स हैं कोई और कहेगा दो सौ हैं तीन सौ हैं चार सौ हैं लेकिन एक्चुअल में कितनी बोन्स होती हैं एक्चुअल में टू हंड्रेड सिक्स हैं वो बोलते हैं ना एक आ, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन मतलब कुछ इस तरह से डायलॉग है कि दो सौ छः हड्डियों को 2006 टुकड़ों में काट दूंगा और उसके बाद कुत्तों को खिलाऊंगा ठीक है तो 206 हंड्रेड सिक्स बोन्स जो हैं ह्यूमन में होती हैं इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन ये आपको याद ही होगा पहले से भी आई होप सो तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सॉरी थर्टी थ्री है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन आपको ये याद रखना आप ये याद रखना ऐसे भी आप इसमें याद रख सकते हो लार्ज इज इक्वल टू सेब्रम लार्ज इज इक्वल टू सेरिब्रम 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 मतलब लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज इक्वल टू सेरिब्रम ठीक है लार्ज ब्रेन आप याद रखिए जिस तरह से आप रखना चाहते हैं मैं तो ऐसे ही आपको बता रहा था याद रखने के लिए लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो ज़्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो कम है मतलब अपोजिट में याद रखना है अब आप सोचेंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसका जो लेंथ होनी चाहिए वो तो कम होनी चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन से लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है वो लेंथ ज़्यादा होती है किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है दैट इज़ सेवन मीटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है सेवन मीटर्स नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको कहा था पीछे स्माल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होती है किसकी लेंथ ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है कितनी होती है सेवन मीटर्स किसकी सेवन मीटर किसकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की और वन पॉइंट फाइव मीटर किसकी होती है लार्ज इंटस्टाइन की वन पॉइंट फाइव मीटर किसकी लेंथ होती है लार्ज इंटस्टाइन की तो आपको ये याद रखना है कि वन पॉइंट फाइव मीटर जो लेंथ है वो किसकी है लार्ज इंटस्टाइन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस राइट नाव ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स कलर ऑफ आई डिपेंड्स ऑन वट आँख का जो हमारी आँख का ह्यूमन आई का जो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है तो देर इज़ अ पार्ट ऑफ एन आई दैट इज कॉल्ड दैट वी कॉल आयरिस ओके उसको आयरिस कहते हैं हम उसी की जो मदद से जो कलर जो है आई एम सॉरी मदद से नहीं कलर जो है आई का वो डिपेंड किस पे करता है आई जो है आई का कलर डिपेंड करता है आइरिस पे मतलब कलर ऑफ आई ये याद रखना है कलर ऑफ आई रिस डायरेक्ट आप याद रखना कलर ऑफ आइरिस तो आपको समझ आ जाएगा कि आइरिस ही है ठीक है तो ये एक काइंड ऑफ अ ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इज़ वर्ल्ड्स एड वर्ल्ड्स एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अब ये थोड़ा है तो ये बायोलॉजी का ही क्वेश्चन लेकिन ये थोड़ा आप उस तरह से भी मान सकते हैं कि ये डेज़ में भी आता है मतलब यहाँ से आपको वो भी स्टैटिक जीके इसको हम कहते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा तो वर्ल्ड वर्ल्ड का एड्स डे कब मनाया जाता है दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट दिसंबर याद रखना वर्ल्ड्स एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन

थोड़ा सा वो बेसिक होता है क्या ह्यूमन बॉडी जो पी एच ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है वो क्या होता है थोड़ा सा बेसिक होता है अब एड्स इज़ कॉज बाई विच वायरस एड्स जो है वो कौन से वायरस से होता है मतलब कौन से वायरस की वजह से होता है वो तो एड्स जो है वो किस कौन से वायरस की वजह से होता है वो होता है एच आई वायरस की वजह से होता है क्या एड्स एच वायरस की वजह से होता है ठीक है अब यही शक्ल मुझे आती है बनानी और तो आती है नहीं लेकिन मैं फिर ट्राई करूँगा आगे बनाने की कुछ शक्लें अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे पहुँचे हैं थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक सकते हैं आप पॉज करके पानी वगैरह पी सकते हैं एक्सरसाइज वग़ैरह कर सकते हैं ठीक है आपके लिए कौन सी चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको आपके लिए कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्या एंड ऑफ एग्ज़ाम्स जो होंगे मतलब आप क्या चाहते हैं एंड ऑफ़ एग्ज़ाम हो या फिर जो है मतलब आपको अभी वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है मतलब इनमें से दो, दोनों में से कौन सी चीज़ आप प्रेफ़र करेंगे आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि आप मतलब चाहते हैं एंड ऑफ एग्ज़ाम हो या फिर आप चाहते हैं ये वीडियो अभी मैं देखूं ठीक है जोश के साथ पूरे होश के साथ मतलब वट आर यू लुकिंग फॉर आर यू लुकिंग फॉर द डेस्टिनेशन और यू जस्ट क्या आप मंजिल की तरफ़ देख रहे हैं या फिर आप अभी इसकी तरफ रास्ते की तरफ़ देख रहे हैं ठीक है सो लुक एट द वे डोंट लुक एट द मेरी जो सजेशन रहेगी डोंट लुक एट द डेस्टिनेशन बिकॉज मैं बहुत सारे मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे बट मेरी एक आदत है कि मैं हर एक इंसान को हर एक इंडिविजुअल uh, को आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी बॉडी तो एग्ज़ाम्स की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी इज ताजमहल इज हाईली एफेक्टेड बाई वट ताज ताजमहल ताज जो है वो हाईली अफेक्ट किससे होती है रेन से ताजमहल जो है हाईली अफेक्ट किससे से होती है रेन से अफेक्ट होती, होती नहीं है अफेक्ट हो गई है ठीक है विच विटामिन इज़ असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा जो है विटामिन ज़रूरी है तो विटामिन के, के फार कादिर खान कादिर खान ब्लड इज़ ब्लड वॉज क्लॉटिंग ठीक है के फार कादिर खान ब्लड क्लॉटिंग विच विटामिन इज़ असेंशियल फ़ॉर ब्लड क्लाटिंग तो ब्लड क्लाटिंग के लिए कौन सा विटामिन असेंशियल है तो वो है विटामिन के बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज सबसे जो जो रिचेस्ट सोर्स सबसे बड़ा सोर्स क्या है विटामिन uh, का सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है तो वो पाया जाता है किसमें कैरेट्स में कैरेट्स में, में ठीक है कैरेट्स में बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए पाया जाता है बिगेस्ट बोल सकते हैं रिचेस्ट बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं आप अनदर क्वेश्चन इज बैरी बेरी इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाई किससे होता है बैरी बेरी तो बारी बारी होता है ऑफ सॉरी डेफिशेंसी ऑफ विटामिन बी की वजह से किससे होता है बारी बारी डेफिशेंसी ऑफ विटामिन बी मतलब विटामिन बी की कमी की वजह से बारी बारी डिजीज होती है ठीक है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द डेफिशेंसी ऑफ वट नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी डेफिशंसी की वजह से होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इज़ विच डिज़ीज़ इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ़ आयोडीन आयोडीन की कमी की वजह से आपको पता है नमक में भी नमक में ही ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है तो आयोडीन की कमी की वजह से कौन सा डिजीज़ हो सकता है तो दैट इज़ गटर गॉइटर इज़ काज बाई द डैफिशेंसी ऑफ वट आयोडीन ग्वाइटर इज़ कॉज बाई द डेफिशेंसी ऑफ आयोडीन तो कौन सी डिजीज कॉज होती है आयोडीन की कमी की वजह से वो है गोवाइटर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन इज सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ वाट सलाइवा किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है तो स्टार्च की डाइजेशन uh, में हेल्प करता है क्या सलाइवा स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है ठीक है तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज तक शायद मैंने आपसे लाइक नहीं मांगा होगा तो आज इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है लाइक पहले नोट करना नोटबुक पे उसके बाद पीडीएफ बनाना उसके बाद आपके सामने लेके आना और उसके बाद आपके साथ यू you नो know, बात करते करते इसको कंप्लीट करना ठीक है तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक द वीडियो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन इज़ इन अ मिनट हार्ट बीट्स हाउ मेनी टाइम्स एक मिनट में हार्ट कितने टाइम्स बीट होता है एक मिनट में हमारा हार्ट जो है ह्यूमन ह्यूमन हार्ट वो कितने टाइम्स बीट होता है वो होता है सेवेंटी टू टाइम्स कितने टाइम होता है सेवेंटी टू टाइम्स बीट होता है ब्लड रेड क्यों है शायद हमने ये पहले डिस्कस कर दिया था तो बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन ब्लड इज रेड ब्लड किसकी वजह से रेड है हेमोग्लोबिन की वजह से ये पहले भी पढ़ लिया था हमने इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कलर ऑफ आई डिपेंड्स ऑन आइरिस शायद ये भी हमने पढ़ लिया था ठीक है तो आइरिस पे कलर ऑफ़ आई डिपेंड करता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना तो कभी कभी आ जाता है यू नो एक्स्ट्रा मतलब इसमें आ जाता है कभी कभी ठीक है विच टेस्ट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर कौन सा वो टेस्ट है जो डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में हेल्प करता है तो वो है बायोप्सी। उसको क्या कहते हैं उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं बायोप्सी कहते हैं जो हमें किस में मदद करता है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में उसको हम क्या कहते हैं बायोप्सी कहते हैं क्या कहते हैं है। बायोप्सी। ला लार्जेस्ट डब्ल्यू ड्वल्य बी सी वाइट ब्लड सेल सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल कौन सा है लार्जेस्ट डब्ल्यू बी सी इज विच विच इज लार्जेस्ट डब्ल्यू बी सी तो लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल इज मोनोसाइट ठीक है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ड्यू टू तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी में किसकी वजह से होती है तो वो होती है ब्लड की वजह से किसकी वजह से होती है ब्लड की वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है ह्यूमन बॉडी में ठीक है ओके सो व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ़ आरबीसी आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स डब्ल्यू बी सी वाइट ब्लड सेल्स आर बी सी रेड ब्लड सेल्स तो आर बी सी का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है दैट इज़ वन ट्वेंटी डेज का जो है आर बी सी का लाइफ स्पेन होता है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा है यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं अब यूनिवर्सल डोनर मतलब आप समझते होंगे कि डोनर होता है डोनर मतलब डोनेट करने वाला है ना तो जो डोनेट करता है उसको हम डोनर कहते हैं अब यहाँ पूछ रहे हैं कि ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर हम किसको कहेंगे तो जिसमें ओ ओ वाला ब्लड होगा जिसमें ओ वाला ब्लड होगा तो वो यूनिवर्सल डोनर उसको कहते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि उसका जो ब्लड है वो किसी मतलब कोई भी टाइप के ब्लड में एक्सेप्ट हो सकता है ठीक है इसलिए उसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर किसको ओ, ओ वाले को ठीक है थर्टी टू मिनट्स की वीडियो बन चुकी है अभी तक इन ह्यूमन बॉडी यूनिवर्सल रेसिपेंट रेसिपेंट क्या होता है जो रिसीव करने वाला होता है तो ह्यूमन uh, बॉडी में यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन कौन होता है मतलब जो सब ब्लड्स एक्सेप्ट कर सकता है तो ए बी आपको याद रखना है ए बी ए बी जो है दिस विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स बोन्स आर कनेक्टेड विद विच टिश्यू बोन्स जो है वो किस टिश्यू से कनेक्ट होती हैं तो वो होती हैं लिगामेंट लिगामेंट किससे कनेक्ट होती हैं लिगामेंट से बोन्स किससे कनेक्टेड होती हैं लिगामेंट से बोन्स लिगामेंट बोन्स लिगामेंट बोन्स किससे कनेक्टेड होती हैं लिगामेंट से नेम द सॉरी नॉर्मल बी पी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉर्मल बी पी क्या है ह्यूमन बॉडी का मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर बी पी इज़ इक्वल टू ब्लड प्रेशर क्या है बी पी क्या है ब्लड प्रेशर क्या है बी पी इज ब्लड प्रेशर तो वन ट्वेंटी बाय वन ट्वेंटी बाय एटी एम एम नॉर्मल बीपी जो ह्यूमन का रहता है 120 ट्वेंटी बाई एटी एम रहता है कितना रहता है 120 ट्वेंटी बाई एटी एम एम स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज कॉल्ड एज आर्कनोलॉजी स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज कॉल्ड एज आर्किनोलॉजी स्पाइडर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं आर्किनोलॉजी स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज कॉल्ड एज आर्किनोलॉजी रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको यहीं पे याद हो जाए बार बार कह रहा हूँ यही चीज़ मैं ओके okay. यहाँ पे लास्ट uh, मतलब इस स्लाइड में लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ फिफ्टी नाइन क्वेश्चन है विच हारमोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस ऑफ मेल टेस्टिस ऑफ मेल विच हारमोन इज प्रोड्यूस्ड बाय मतलब टेस्टिस ऑफ मेल से कौन सा हारम्यून हारमोन जो है प्रोड्यूस होता है तो उसको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन जो है बचपन से पढ़ते आए हैं तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस ऑफ मेल से जो है प्रोड्यूस होता है ओके okay. अभी और आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करके वापस आके कंटिन्यू रखना लेकिन छोड़ना नहीं वीडियो को छोड़ना नहीं क्योंकि वन हंड्रेड टेन एम सी हैं खाली खाली ये नोट करना या फिर खाली वीडियो देखो आप अगर आप वीडियो को खाली देखेंगे तीन चार बार आपको याद वैसे भी हो जाएगा बट स्टिल मैं रिकमेंड करता हूँ कि आ, आप अगर लिखते हैं तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशल फॉर द होल लाइफ अभी हम आपको पता है क्लास फोर की प्रेपरेशन कर रहे हैं बट दिस इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम यू गो फॉर याद रखना यू विल रिमेंबर मी देयर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इज विच लेंस इज़ यूज़ टू क्योर कलर ब्लाइंडनेस विच लेंस इज़ यूज टू क्योर कलर ब्लाइंडनेस कौन सा लेंस यूज़ होता है तो वहाँ पर कोई लेंस यूज नहीं हो सकता ठीक है कलर ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए कोई भी लेंस यूज़ नहीं होता है देयर इज़ नो लेंस विच इज़ यूज टू क्योर कलर ब्लाइंडनेस ठीक है वट इज़ द अदर नेम फॉर विटामिन बी ये भी तो हमने डिस्कस कर लिया था है ना लेकिन मैंने ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बता दिया था और विटामिन ए का बताया था मैंने रेटिनोल और विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड क्या कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड द बॉटम ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स जो बॉटम में मतलब बॉटम ऑफ हार्ट का जो चैम्बर्स होते हैं ना कितने होते हैं चैम्बर्स चार होते हैं ना टू एट्रियाज वेंट्रिकल्स है ना तो वेंट्रिकल्स जो हैं बॉटम वाले को हम क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स ठीक है हमारी जो बोन्स और टीथ हैं वो किसके बने होते हैं वो बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के किसके बने होते हैं बोन्स जो हैं टीथ हैं वो किसके बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट हमारे जो बोन्स और टीथ हैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वो किसके बने होते हैं वो बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के ओके okay, मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया किससे रिलेटेड है मतलब किससे रिलेट करते हैं मेट्रोपिया और हाइपर मेट्रोपिया आपको डेफिनेटली पता होगा टेंथ में भी पढ़ा होगा आपने कि आई से रिलेट करते हैं क्योंकि आई में जो है मायोपिया क्या होता है मायोपिया भी एक बीमारी है और हाइपर मेट्रोपिया भी एक बीमारी है तो मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया जो क्या है आईज की बीमारी है ठीक है तो इसलिए जो है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आई हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था सिक्सटी फोर यहां पर हम पढ़ रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड ठीक है बीपी को कौन आई I मीन mean, किससे नापा जाता है Spy, uh, sorry, sphygno manometer, sphygno manometer से इसको नापा जा नापा जाता है ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज तिबिया बोन लोकेटेड एक तिबिया बोन होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो लेग में प्रेजेंट होती है तो क्वेश्चन क्या है इन ह्यूमन बॉडी वेयर इजिया बोन लोकेटेड तोड़ इन लेग लेग में प्रेजेंट होती है तिबिया बोन तिबिया बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है तिबिया बोन होती है लेग में प्रेजेंट ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन एमरजेंसी हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी इस देखो एक एमरजेंसी हार्मोन होता है ह्यूमन बॉडी में तो उसका नाम क्या है उसका नाम है एड्रनल लिन ग्लैंड एड्रेनलिन ग्लैंड ठीक है क्या है एड्रनल ग्लैंड तो एमरजेंसी हार्मोन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में एड्रेनलिन ग्लैंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर 68 है डायलिसिस इज़ फेलियर ऑफ व्हाट मतलब जब डायलिसिस हम कहते हैं जब डायलिसिस होता है किसी को हम कहते हैं ना कि किसी को डायलिसिस हो गया या कहते हैं कि उसको किडनी फेल हो गई तो उसका मतलब उसको डायलिसिस हुआ है तो डायलिसिस इज़ फेलियर ऑफ किडनी डायलिसिस किसका फेलियर है किडनी का अच्छा जो इमेज फॉर्म होती है ह्यूमन आई में वो कहाँ पे फॉर्म होती है कौन से पार्ट पे होती है उसको हम क्या कहते हैं रेटिना कहते हैं रेटिना पे जो है ह्यूमन आई की जो इमेज है वो सॉरी uh, कोई भी जो इमेज हो है वो ह्यूमन आई पे uh, मतलब फॉर्म होती है तो कौन से पार्ट पे रेटिना पे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन इज वेयर इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बून के बारे में शायद है ना अभी हम क्या पढ़ रहे हैं जॉइंट जॉइंट कहां पे होता है हमारे नी में नी मतलब हमारी लेग का जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पे नी नी का हमारा जो जॉइंट होता है उसको आ, जो है वहां पर लार्जेस्ट जॉइंट प्रेजेंट है किसका कहां पे तो वो है वो है लेग में ठीक है तो लेग में कहाँ पे है लेग में है वो नी जॉइंट ठीक है उसको सिंपली आप नी जॉइंट कहते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इज़ विच ग्लैंड इज़ एसोशिएटेड विद ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर के साथ कौन सा ग्लैंड जो है वो एसोशिएटेड है तो द ग्लैंड दैट इज़ एसोशिएटेड विद ब्लड प्रेशर इज़ एड्रनल ग्लैंड उसको क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी ग्लैंड uh, है उसको हम क्या कहते हैं एड्रनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री ह्यूमन इन ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टिंगट विजन इज़ ह्यूमन आई में जो है सबसे आ, मतलब कम जो विजन है वो कहाँ पर मतलब वो कितना होता है मतलब आई होप आप समझ पा रहे हैं वो एकडेशन पावर ऑफ एकोमोडेशन आपने पढ़ा होगा ह्यूमन आई चैप्टर में टेंथ में या एलेवेंथ में तो वहाँ पर लीस्ट डिस्टिंक्ट एक विजन दिया होता है उसकी एक लिमिट होती है तो वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर ह्यूमन इन ह्यूमन द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर इन ह्यूमन द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर उसके बाद लार्जेस्ट वेसल इन ह्यूमन बॉडी क्वेश्चन नंबर 74 लार्जेस्ट वेसल इन ह्यूमन बॉडी इज ब्लड वेसल ठीक है ब्लड वेसल जो है लार्जेस्ट कौन सी है ऑर्टा ठीक है आवरटा बोल सकते हैं आप इसको तो लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सी है ह्यूमन बॉडी में आवरटा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल हाउ मेनी बेसिक टेस्ट कैन ह्यूमन बॉडी हैव ह्यूमन बॉडी कितने बेसिक टेस्ट मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने बेसिक टेस्ट हो सकते हैं तो ह्यूमन बॉडी में टोटल बेसिक टेस्ट फाइव हो सकते हैं ठीक है ह्यूमन बॉडी में कितने टेस्ट हो सकते हैं फाइव टेस्ट अनदर नेम फॉर वॉइस बॉक्स मतलब जहाँ से हमारी वॉइस निकलती है मतलब जहाँ से हम गाते वगैरह हैं ठीक है थीके? तो उसका दूसरा नाम क्या है जहाँ से हम बात करते हैं जहाँ से हमारे जो वाइब्रेशंस निकलती हैं गाने निकलते हैं हमारी वॉइस निकलती है उस वॉइस बॉक्स का दूसरा भी एक नाम है जिसका नाम है लैरिंगस मैं तो उसको लैरिंगस ही पढ़ता हूँ आप इसको लारेनिक्स पढ़ें या जो भी पढ़ें लेकिन इतना याद रखना है कि वॉइस बॉक्स जो है इसको इसका दूसरा नाम क्या है लारेंस और एक और चीज़ होती है फूड पाइप फूड पाइप फूड पाइप को हम क्या कहते हैं ईसोफेगस ई e, सॉरी ओ एस -E दोबारा से लिख देता हूँ मैं ओ ओ ईसो पी एच ए जी यू एस अब मैं इसको इसो पढ़ता हूँ आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कौन सा ऑर्गन जो है फिल्टर करता है ब्लड ह्यूमन बॉडी में तो वो है स्प्लीन स्प्लीन इज द ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी स्प्लीन इज द ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी आपको ये क्वेश्चंस इसी जो वीडियो में है इसी वीडियो में आपको ये याद हो जाएंगे तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट पर तो विच वायरस इज़ रिलेटेड टू एड्स एड्स से कौन सा वायरस रिलेटेड है हमने पहले हमने पहले क्या पढ़ा था एच से एड्स होता है लेकिन एक और अगर आपके पास हैं ऑप्शन में तो ये रेट्रो वायरस भी जो है ये किससे रिलेटेड है दिस इज़ रिलेटेड टू अब एच से तो होता है ठीक है एच से क्या होता है एच से एड्स होता है लेकिन रेट्रोवाइरस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एड्स डन उसके बाद ब्लड कैंसर इज कॉल्ड ब्लड कैंसर जो होता है अब हम तो कहेंगे ब्लड कैंसर लेकिन उसका कुछ दूसरा भी नाम है सिंपली ब्लड कैंसर का दूसरा नाम जो है ल्यूकमा ल्यूकेमिया सॉरी ल्यूकेमिया इसका दूसरा नाम है क्या है ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया ठीक है ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है ल्यूकेमिया ओके मेड्यूला ओब्लोंगेटा मेड्यूला ओब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ व्हाट मेड्यूला ओब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन मेड्यूला ओब्लोंगेटा इसका पार्ट है ये है पार्ट ब्रेन का ठीक है क्वेश्चन नंबर एटी वन इज बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज बेसिक यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का तो बेसिक यूनिट नर्वस सिस्टम क्या का है न्यूरॉन न्यूरॉन जो है वो है बेसिक उसको मतलब नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है न्यूरॉन बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन तो हमारी जो बॉडी के इमोशंस कंट्रोल होते हैं जैसे हंसना रोना ये सब चीज़ें मतलब इमोशंस एक्चुअली जिनको आप कहते हैं तो वो किससे कंट्रोल होते हैं इमोशंस आपके किससे कंट्रोल होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं कभी इंसान इमोशनल हो जाता है कभी इंसान फ़नी हो जाता है मतलब जो आप इमोशन समझते होंगे कि इतना आप समझते होंगे इमोशंस होता क्या है तो इमोशंस जो हैं हमारी बॉडी में वो उसको कोई ना कोई चीज़ तो कंट्रोल करती होगी तो जो चीज़ उसको कंट्रोल करती है उसको क्या कहते हैं हम हाइपोथैलेमस क्या कहते हैं इमोशंस आप याद रख सकते हैं इमोशन इमोशनलमस ऐसे याद रखना तो हाइपोथैलमस इमोशनलमस इज इक्वल टू हाइपोथैलेमस ठीक है एक्चुअली मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल रहा हूँ बट प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लें खुद ही इन चीज़ों को कि आपको कैसे याद रखना है बट मैं आपको ट्राई करता हूँ कि आपको बताऊँ किसी ना किसी तरह से आपको याद करवा दूँ यहीं पर नेम द एसिड प्रेजेंट इन स्टोमक स्टोमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में um, ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड ठीक है क्वेश्चन नंबर एटी फोर ओ हम तो बहुत आगे आ चुके हैं ग्रेट हम बहुत आगे आ चुके हैं द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू अ बोन जो एक कनेक्टिव टिश्यू है वो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं देखो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है इसीलिए तो हमें इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं जब ये किसी को किसी के साथ कनेक्ट करता है तो उसका नाम क्या है फिर उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है उस कनेक्ट कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है मसल को बोन के साथ उसको हम क्या कहते हैं टेंडन अब इंसुलिन इंसुलिन इज्रिएटेड बाय इंसुलिन किससे सिक्रिएट होता है पैनक्रियास से इंसुलिन किससे स्क्रीट होता है पेंसी पेनक्रियाज से सॉरी उसके बाद बाइल जूस हमने पहले पढ़ा था वो थोड़ा सा देख लो आप बाइल जूस किससे स्क्रीट होता है बाइल जूस होता है स्क्रीट लिवर से और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है वो भी लिवर है और उसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है गाल ब्लेडर में ब्लड इज़ विच टाइप ऑफ टिश्यू ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है क्योंकि ये कनेक्ट होता है ना ब्लड इसलिए ये कौन से टाइप का टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं तो चार होते हैं पहले भी हम मैंने आपको बताया था वैसे पढ़ा तो नहीं था क्वेश्चन तो नहीं था ऐसा लेकिन हमने पढ़ा था तो दो वेट वेंट्रिकल्स होते हैं और दो एट्रियाज होते हैं एट्रियाज अपर साइड में होते हैं और बॉटम साइड में वेंट्रिकल्स होते हैं ठीक है अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ईयर्स अदर देन हियरिंग हियरिंग के अलावा भी जो है इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है ईयर्स मतलब ईयर्स का तो वो क्या है दैट इज बैलेंसिंग ठीक है बैलेंसिंग ऑफ ठीक है बैलेंस सॉरी बैलेंसिंग जो है फंक्शन होता है किसका ईयर्स का हियरिंग के अलावा ओके क्वेश्चन नंबर एटी नाइन हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी फोर टू पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव लीटर्स जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है कितना फोर पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव लीटर्स क्वेश्चन नंबर 90, विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स कौन सा ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है वो प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स हमने पीछे पढ़ा हुआ था ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में तो आपको याद होगा वो जरूर है ना विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ये मैंने आपको पहला कुछ पढ़ाते पढ़ाते ये भी बता दिया था है ना तो पिच्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं ग्लैकोमा एक डिज़ीज़ है वो किसकी डिजीज़ है वो आइज़ की डिजीज़ है याद रखना ग्लैकोमा जो है वो आइज़ की डिजीज़ है तो ग्लैकोमा इज़ द डिज़ीज़ ऑफ आइज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री क्या है पीएच क्या है ब्लड की ब्लड का जो पीएच वैल्यू है पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं पी क्या होता क्या है पी मैं तो आपको पहले शायद नहीं ये हमने नहीं पढ़ा था अभी तक बट पी ऑफ ब्लड क्या मतलब पी एच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आपने पढ़ा भी होगा ये चीज़ बेसिक सी चीज़ें होती हैं ये तो आई आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ये सब इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर सेवन पॉइंट थ्री से लेकर सेवन पॉइंट फोर इतना ही आप याद रखें सेवन पॉइंट फोर वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन आप अगर सेवन पॉइंट थ्री भी आया तब भी आप करेक्ट कर लेंगे बिकॉज़ इतना क्लोज जो है ऑप्शन नहीं आते हैं अलग अलग ऑप्शन आते हैं दूर दूर के ऑप्शन आते हैं तो सेवन पॉइंट थ्री टू सेवन पॉइंट फोर जो है पी एच ऑफ ब्लड रहती है उसके बाद लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी है स्कैटिक स्कैटिक लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट जो नर्व है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है स्कैटिक मुझे पता है कि मैंने क्वेश्चन नंबर सेवेंटी छोड़ दिया था पीछे लेकिन वो डिस्कस होगा एट दी एंड ऑफ द वीडियो आई नो कि मैंने वो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी छोड़ दिया था वो गलती से एक्चुअली पीडीएफ बनाते बनाते पीपीटी बनाते बनाते जो हुआ वो आगे चले गया क्वेश्चन तो मैंने सोचा एंड पे डिस्कस कर लेते हैं वो वाला क्वेश्चन कौन सा सेवनटीअ क्वेश्चन तो ब्लड की पीएच आपको पता चल गई लार्जेस्ट नो पता चल गया कि स्कैटिक होती है लार्जेस्ट नो no. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव क्या है विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ह्यूमन सेल जो है लार्जेस्ट कौन सा होता है तो ओवम फीमेल्स में ठीक है ओवम क्या है लार्जेस्ट लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स क्या है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था तो फ्लैमिंग एलेक्ज़ेंडर ने क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन ओके शायद आपको याद नहीं हो गया होगा पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था फ्लैमिंग एग्जेंडर ने तो फ्लैमिंग एलेक्ज़ेंडर ने क्या डिस्कवर किया था पेनिसिलिन तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिटल ब्रेन तो सैरी सेरिबेलम को हम सेरिबेलम को हम लिटल ब्रेन भी कहते हैं हमने पीछे पढ़ा था ना सेरिब्रम सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ठीक है तो इसी तरह से यहाँ पे सेरिबेलम जो है ये जो इसको हम लिटल ब्रेन भी कहते हैं मतलब आप समझ सकते ऐसे याद रख सकते हैं लार्ज ब्रेन इज इक्वल टू सेरिब्रम और स्मॉल ब्रेन इज इक्वल टू सैरीबैलम मतलब सैरी बैलम जो है इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट है विच वट इज़ पी एच ऑफ एमोनिया एमोनिया का जो पी एच है वो, वो बहुत ज़्यादा रहता है टेन पॉइंट सिक्स टू अलेवन पॉइंट सिक्स रहता है किसका पी एच एमोनिया का क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन इज़ वट इज़ द पी एच ऑफ सी वॉटर सी वॉटर का जो है पी एच कितनी रहती है सेवन पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फाइव आपको याद रखना है सेवन जो है ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से ऊपर अगर आप जाएंगे तो मतलब सेवन से ऊपर अगर पी है तो मतलब चीज़ बेसिक है ठीक है अगर इससे नीचे पी वैल्यू है मतलब वो एसिडिक है ठीक है ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं ये आपने ज़रूर पढ़ी होंगी इससे पहले भी पी ऑफ मिल्क कितनी है सिक्स पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट सेवन ठीक है स्टडी ऑफ़ फिशेस को क्या कहते हैं एस्टिलॉजी स्टडी ऑफ़ फिशेस को क्या कहते हैं एश्टोलॉजी स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज़ को क्या कहते हैं लेपी डॉप स्टडी ऑफ फिशेस को एश्टोलॉजी स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज़ को लेपिड डॉप टर्मोलॉजी लेपिड ऑप टर्मोलॉजी ठीक है जैसे भी आपको याद रखना है बस बाकी कोई गर्ज़ नहीं है देर इज़ नो अदर नीड राइट आपको सिर्फ याद रखनी है ना ये चीज़ें क्योंकि स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज लैपीडोपटरमोलोजी और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को तो आपको पता होगा एंटोमोलोजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स का बहुत ईजी है एंटोमोलोजी कहते हैं अगर इंटोमोलोजी कहते हैं मतलब इंटोमोलोजी कहते हैं तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता ना, entomology है ना एंटोमोलोजी है न क्योंकि इंसेक्ट्स आई एन से ही बनता था तो चलो अब जो भी है इन जो भी बताया है तो कोई बात नहीं इनकी मर्ज़ी हमारी मर्जी अगर चलती तो हम तो कुछ भी कर सकते थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन ज़ीरो फोर स्टडी ऑफ सेल्स सेल्स की स्टडी को भी आपने सुना होगा साइटोलॉजी कहते हैं पढ़ा भी होगा आपने तो वन ज़ीरो फ़ोर का आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज़ कॉल्ड पमोलॉजी फ्रूट्स की स्टडी को क्या कहते हैं पामोलॉजी अब थोड़ा सा एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं स्टडी ऑफ़ फिशेस इज़ कॉल्ड एज इस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज इज़ कॉल्ड एज लेपीडॉप्टरमोलॉजी उसके बाद स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटेमोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पमोलॉजी ओके नाउ डिस्कवरी थोड़ी सी एक दो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था चार्ल्स डार्विन ने किसने दिया था चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया है तो लेवन हुक ने बैक्टीरिया डिस्कवर किया है फिर से एक बार बताता हूँ आपको मैं हु गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डारविन हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया लेवन हुक क्वेश्चन नंबर 108 ओके okay, तो डेस्टिनेशन इज सून मतलब कमिंग है ना तो विटामिन सी सॉरी विटामिन विच जनरली यूज टू स्क्रीट यूरिन यूरिन स्क्रीट कर मतलब सॉरी एक बार फिर से बोलता हूँ विटामिन सी जो है विटामिन सी वो किसके लिए यूज होता है जनरली टू स्क्रीट यूरिन ठीक है विटामिन सी इज यूज टू स्क्रीट यूरिन आई मीन जनरली यूज टू स्क्रीन स्क्रीट यूरिन ठीक है पता नहीं मतलब इतनी दूर पहुंच गए अभी तो बहुत ही क्लोज़ पहुंच गए अब वीडियो खत्म करने की जल्दी नहीं है वैसी बात नहीं है बट वीडियो जो है ख़त्म होने वाला है वन हंड्रेड टेन पे पहुंच रहे हैं हम ठीक है तो कलर ऑफ काउ मिल्क इज़ येलो बिकॉज ऑफ वट काऊ का मिल्क जो uh, है वो येलो क्यों होता है तो एक पिगमेंट टाइप कह सकते हैं जो प्रेजेंट होती है दैट इज कार्टून कार्टून जो है प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं हम इसीलिए जो है वो येलो होता है कॉ मिल्क जो है वो येलो क्यों होता है बिकॉज ऑफ कार्टून इट उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड टेन मतलब फाइनल क्वेश्चन तो नहीं है ये क्योंकि मैंने आपको बताया था पीछे पीछे जो है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी छूट गया था तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी आपको एंड पे मिल जाएगा ठीक है मतलब क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन करने के बाद रैडर किसने इन्वेंट किया है किसने किया है इन्वेंट रैडर तो रॉबर्ट वाटसन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया लेवन हुक और रैडर किसने इन्वेंट किया रैडर सॉरी रॉबर्ट वाटसन ने ओके तो मैन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ हेमोग्लोबिन ये कैसे आ गया यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन वही था आई I मीन mean, शायद ये पढ़ा होगा लेकिन क्वेश्चन नंबर नंबरिंग इसको सेवेंटी नहीं थी तो शायद मुझे ही कन्फ्यूजन हो गया तो मतलब यहाँ पर हमारे जो हैं एम एंड हो रहे हैं तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा वीडियो अगर आया है तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें बिकॉज बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगे हैं इसके पीछे आपको पता है कि कंप्लीट ये अराउंड वन वन आवर का वीडियो बना है So, I wish you all the very best for your preparation. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.